हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूंगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है फल बगीचा लगाने हेतु स्थान का चुनाव, इसके बारे में देखने वाले हैं। और यह टॉपिक जो है नीम रासुंडा बुक से लिया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके पहले मैं इसके कई पार्ट डाल चुका हूँ, आप उसको प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाइए, उसको देखिए। और यहाँ पर इस चैनल पर जो है डेली क्विज डाला जाता है प्रीवियस ईयर का, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फल बगीचा लगाने हेतु स्थान का चुनाव, जिसको हम लोग सिलेक्शन ऑफ साइट भी कह सकते हैं, में पहला आता है स्थान का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ साइट, जिसके अंतर्गत जलवायु एवं भूमि और धरातल और अन्य कारक आते हैं। तो जलवायु एवं भूमि के अंतर्गत कौन सा आता है कि जलवायु का हिसाब कैसा है, कि जलवायु उष्ण है या उपोष्ण है या शीतोष्ण है, तो इस हिसाब से जो होता है फल वृक्षों का चुनाव करें। और मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता भी जो होता है फल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। और जैसे आम हो गया, नींबू वर्गीय फल हो गया एवं अंगूर आदि को जो होता है अधिक उर्वरक भूमि में लगाते हैं। अब भी आता है धरातल, जिसको टोपोग्राफी कहते हैं इंग्लिश में। तो बगीचे लगाने वाली भूमि में ढलान जो होता है 1-5% होना चाहिए। तो बगीचे लगाने के लिए भूमि में ढलान कितना होना चाहिए, तो 1-5% होना चाहिए। और इससे अधिक ढलान वाले में जो होता है फल उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। मतलब अगर हमको फल उत्पादन करना है तो 1-5% ढलान ही होना चाहिए। तीसरा आता है अन्य कारक के अंतर्गत, तो इसमें सिंचाई व जल निकास की सुविधाएं होनी चाहिए, कि सिंचाई की सुविधा ना होगी तो भी नुकसान होगा, जल निकास नहीं होगा तो पानी भरकर जो है नुकसान हो जाएगा। और बाजार एवं यातायात की सुविधाएं होनी चाहिए। हम फल उत्पादन कर लिए, अगर जो हमको बेचने की सुविधा नहीं है, बाजार ही नहीं है आसपास, तो फिर समस्या उत्पन्न होगी। और फिर मजदूरों की उपलब्धता आसानी से होनी चाहिए। और कीट एवं व्याधि रहित जोता स्थान का चयन करना चाहिए। माना कि हम कोई स्थान का चुनाव करते हैं कि हम यहाँ पे अपना फल उत्पादन करेंगे, लेकिन वहाँ पर अगर जो कीटों और रोगों की समस्याएं हैं तो फिर हमारा जो है फल उत्पादन सही तरीके से हो नहीं पाएगा, जिससे हमको जो है उत्पादन में जोता है लॉस होगा और फलस्वरूप हमें नुकसान पहुँचेगा। सेकेंड आता है फल बगीचा लगाने हेतु स्थिति का चुनाव। तो फल बगीचा लगाने हेतु स्थिति के चुनाव में क्या है कि फल उत्पादन हेतु जो होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक उसकी स्थिति से है, और जिसका अभिप्राय जो होता है सड़क तथा शहर की दूरी से है, क्योंकि फल की जो होता है अधिकतर बिक्री जो होता है शहरों में देखी जाती है। और जो होता है सड़क की सुविधाएं होनी चाहिए ताकि हम जल्दी से जो होता है अपने सामान को जो है वहां तक पहुंचा सके। और तीसरा आता है पौधशाला या नर्सरी का महत्व व स्थान का चुनाव। अब नर्सरी का महत्व क्या होता है कि नर्सरी व सीमित स्थान है जहां छोटे छोटे और महंगे बीजों की सघन रूप से जो होता है बुआई की जाती है, और उगाने हेतु जो होता है सभी उचित या यथासंभव जो होता है सुविधाएं प्रदान करते हैं, वहां पर नर्सरी स्थान कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे तथा महंगे बीजों के जो होता है सघन रूप में इसमें बुआई की जाती है, और उगाने हेतु जो होता है उचित या जो होता है यथासंभव सुविधाएं जो होता है प्रदान की जाती हैं कि ये उग जाए, उस स्थान को नर्सरी कहते हैं। और इससे जो होता है बीजों एवं भूमि की जो होता है बचत होती है, और छोटे क्षेत्र में पौधे की देखभाल
जैसे पानी देना, खाद उर्वरक देना एवं कीट व्याधियों का उपचार नर्सरी में जो होता है आसानी से किया जा सकता है। अब स्थान का चुनाव, तो पौधशाला जो होता है बाजार के निकट होनी चाहिए कि हम पौधशाला लगाएं और उसको जो होता है बाजार के करीब में लगाएं ताकि हमारी बिक्री भी हो सके। और उसके बाद पौधशाला के लिए चुना हुआ स्थान धरातल से जो होता है 10 से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए और उचित जो होता है जल निकास की जो होता है व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो एक्सेस वाटर है वो वहाँ पर रुके ना बल्कि जो है निकल जाए। और पौधशाला में जो होता है अधिक नमी रहने पर जो होता है नर्सरी में आद्र गलन यानी कि डैम्पिंग ऑफ रोग हो जाता है। और पौधशाला में जो होता है कीटों के रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीफास या जो होता है नीम की पत्तियों का खाद डालते हैं। तो कीटों के रोकथाम के लिए नर्सरी में किसका प्रयोग करते हैं, तो क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग करते हैं या फिर उसके जगह अगर जो हम ऑर्गेनिक के तौर पर प्रयोग करें तो नीम की पत्तियों का खाद प्रयोग कर सकते हैं। और पौधशाला की क्यारियों को जीवाणु रहित करने हेतु जो होता है फॉर्मल्डिहाइड जिसको फॉर्मलिन भी कहते हैं उसका 0.1% घोल बीज जो होता है बुआई के 15 दिन पहले जो होता है प्रयोग करना चाहिए। तो जीवाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग करना चाहिए। कितने मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, 0.1% जो होता है घोल का प्रयोग करना चाहिए और बीज की बुआई के जो होता है 15 दिन पहले जो होता है प्रयोग करना चाहिए। अब नर्सरी भूमि को जो होता है निर्जमीकरण करने के लिए भूमि को जो होता है 15 सेंटीमीटर की गहराई तक फॉर्मेलिन का जो होता है 4.5 लीटर पर मीटर स्क्वायर जो होता है घोल काम में लेते हैं। और इसके बाद जो होता है पॉलीथीन से जो होता है 2 से 3 दिन तक जो होता है ढककर रखते हैं। तो नर्सरी में अगर जो हमको भूमि का निर्जमीकरण करना है तो भूमि को जो होता है 15 सेंटीमीटर की गहराई तक फॉर्मेलिन का जो होता है घोल काम में लेते हैं। और मात्रा क्या रहेगी, तो 4.5 लीटर पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से रहेगा। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग जो है पॉलीथीन से जो होता है 2 से 3 दिन जो होता है ढककर रखते हैं। और पर्णपाती पौधों में जो होता है कटाई छटाई दिसंबर माह में तथा सदाबहार पौधों में जो होता है काट छाट जो होता है अप्रैल माह में जो होता है करनी चाहिए। तो पर्णपाती पौधों में जो होता है कटाई छटाई कब करनी चाहिए, तो दिसंबर से जो होता है जनवरी माह तक करनी चाहिए। और सदाबहार पौधों में कब करनी चाहिए, तो अप्रैल से मई माह में करनी चाहिए। और पौधशाला में बीज बोने की क्यारियों का माप क्या होता है, तो 3 × 1 मीटर जो होता है होनी चाहिए। और पौधशाला में आद्र गलन रोग को रोकने हेतु बीजों की बुआई से पूर्व कवकनाशी एग्रोसियन या बाविस्टीन जो होता है 2 से 3 ग्राम जो होता है पर किग्रा जो होता है बीज के हिसाब से उपचारित करते हैं। और टमाटर पपीता व केला अधिक जो होता है पाले एवं जल भराव के प्रति जो होता है अति संवेदनशील होते हैं, मतलब ना यह ज़्यादा पाला झेल पाते हैं और ना यह जल भराव झेल पाते हैं, नुकसान हो जाता है इस अगर जो ऐसे कंडीशन हो तो। और अंगूर फालसा एवं गुलाब इत्यादि जो होता है पतझड़ी पौधे होते हैं। तो पतझड़ी पौधे में कौन कौन से आते हैं, अंगूर आएगा, फालसा आएगा, गुलाब आएगा। अब है सदाबहार पौधों का रोपण जो होता है बरसात के मौसम में यानी कि जून जुलाई से मतलब जो है अगस्त एक हिसाब से खरीफ सीजन भी मान सकते हैं में करते हैं, क्योंकि इस समय जो होता है नई जड़ों का जो होता है निर्माण सर्वाधिक होता है। तो सदाबहार पौधों का रोपण कब करते हैं, तो जुलाई से अगस्त माह में करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि जो है इनके जड़ों का निर्माण अच्छा हो। उसके बाद अब चौथा आता है सदाबहार पौधों का रोपण। तो सदाबहार पौधे कौन कौन से हैं, तो आम है, अमरूद है, नींबू है, चीकू है, संतरा है आदि जो होता है। और उसके बाद जुलाई अगस्त में जो होता है इनका रोपण करते हैं। और उसके बाद पतझड़ी या पर्णपाती पौधों का रोपण, तो इसमें आता है बसंत ऋतु में किया जाता है जनवरी से फरवरी में। और जैसे अंगूर, आंवला और अनार हैं।
और सामान्यतः जोता है सब्जियों में, एक हेक्टेयर रोपाई हेतु जोता है 100 से 200 मीटर जोता है नर्सरी क्षेत्र उपयुक्त होता है। तो सब्जियों में एक हेक्टेयर रोपाई अगर जो हमें करना है तो कितना जो है नर्सरी के लिए मतलब कितना क्षेत्र उपयुक्त रहेगा, तो 100 से 200 मीटर। इसके बाद है प्याज, प्याज में नर्सरी के लिए 500 वर्ग मीटर जो होता है पर हेक्टेयर क्षेत्र आवश्यक होता है। तो सदाबहार पौधों के अंतर्गत कौन कौन से आता है, आम आता है, अमरूद आता है, नींबू आता है, चीकू और संतरा आता है। और बसंत ऋतु के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो अंगूर आता है, आंवला आता है, अनार आता है। और रोपण का समय इसका है जनवरी फरवरी। और उसके बाद तो सब्जियों के लिए एक हेक्टेयर रोपाई के लिए कितना क्षेत्र जो होता है चाहिए होता है नर्सरी के लिए उपयुक्त है, तो 100 से 200 मीटर का जो क्षेत्र है उसका नर्सरी एक हेक्टेयर के लिए उपयुक्त होता है। और उद्यान की फसल हेतु गड्ढे तैयार करना, तो सामान्यतः गड्ढे जो होता है पौध लगाने के एक माह पूर्व जो होता तैयार कर लेना चाहिए। और वर्षा ऋतु में फलदार पौधों के गड्ढे जोता है मई जून में जोता है खोद कर एक माह तक खुला रखते हैं। तो नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो क्या होता है कि पौध लगाने के एक माह पूर्व जोता है गड्ढे को तैयार किया जाता है। और वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो इसमें पौधों के जोता है गड्ढे जोता है फलदार पौधों के गड्ढे मई जून में जोता है खोद कर एक माह तक का जोता है खुला रखते हैं। अब अगला आता है गड्ढों का आकार, तो इसमें पहला आता है बड़ा आकार जो 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई का होता है। उदाहरण के तौर पे इसमें कौन कौन से वृक्ष लगाए जाते हैं, तो आम, चीकू, जामुन, आंवला, बेर, कटहल आदि वृक्षों के लिए होता है। और गड्ढों को भरने के लिए निम्न मात्रा में प्रति गड्ढा काम में लेते हैं, तो इसमें जो है 50 ग्राम मेलाथियान या क्यूनॉल फॉस पाउडर, 5 ग्राम जूता बाविस्टीन, 20 किलो जूता FYM और 5 किलो जूता है वर्मी कंपोस्ट और 100 ग्राम जूता है SSP सिंगल सुपर फास्फेट एवं जूता है 50 ग्राम यूरिया NH2CO जोता है इसका रासायनिक फार्मूला होता है। और सभी गड्ढों में जोता है 2/3 सामान्यता जोता है मिट्टी व जोता है 1/3 जोता है कंपोस्ट भी काम में लेते हैं। अब मध्यम आकार की बात करते हैं तो यह 75x75x75 सेंटीमीटर का होता है जिसमें 75 इनकी लंबाई होती है और 75 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है और 75 सेंटीमीटर इसकी गहराई होती है। और उदाहरण के तौर पे बात करते हैं तो इसमें अनार आता है, नींबू आता है, अमरूद आता है, करौंधा आता है आदि जूता है पौधों के लिए होता है यह। और छोटे आकार की बात करते हैं तो यह 50x50x50 सेंटीमीटर का होता है जिसमें 50 सेंटीमीटर लंबाई होती है, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है और 50 सेंटीमीटर गहराई होती है। उदाहरण के तौर पे बात करते हैं तो इसमें केला आता है, पपीता आता है, अंगूर आता है, फालसा आता आदि पौधों के लिए यह उपयुक्त होता है। तो गड्ढों की आकार के आधार पे बात करते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, एक बड़े आकार का गड्ढा जो 1x1x1 मीटर का होता है, और दूसरा आता है मध्यम आकार का जो 75x75x75 सेंटीमीटर का होता है, तीसरा आता है छोटे आकार का जो 50x50x50 सेंटीमीटर का होता है। बड़े आकार के गड्ढे में कौन कौन से वृक्ष लगाए जाते हैं, तो आम के लगाए जाते हैं, चीकू, जामुन, आंवला, बेर, कटहल आदि वृक्ष लगाए जाते हैं। मध्यम आकार की बात करते हैं तो इसमें अनार लगाया जाता है, नींबू लगाया जाता है, अमरूद लगाया जाता है, करौंधा लगाया जाता है आदि पौधों के लिए होता है। और छोटे आकार की बात करते हैं तो इसमें केला आता है, पपीता आता है, अंगूर आता है, फालसा आता है आदि पौधों के लिए होता है।
और गड्ढों में डाला क्या क्या जाता है, तो इसमें 50 ग्राम मैलाथियन एक्यूनॉल फास पाउडर डालते हैं, 5 ग्राम बाविस्टीन और 20 किलो जो होता है FIM और 5 किलो जो होता है वर्मी कंपोस्ट और 100 ग्राम जो होता है SSP, जो होता है 50 ग्राम यूरिया सभी गड्ढों में 2/3, सामान्यता जो होता है मिट्टी और 1/3 भाग जो होता है कंपोस्ट भी काम में लेते हैं। अब अगला आता है बगीचों के लिए प्रतिकूल मौसम व दशाएं, तो इसमें पहला आता है पाला या कोहरा। तो पाले से सर्वाधिक जो होता है प्रभावित पौधे कौन कौन से हैं, तो इसमें केला है, पपीता है और टमाटर है। तो पाले का सर्वाधिक प्रभाव जो होता है दिसंबर व जनवरी में रहता है। और बचाव के लिए क्या करना चाहिए, तो सिंचाई करके जो होता है पाले से बचाव किया जा सकता है। और सुबह के समय 4 से 5 बजे जो होता है खेत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर घास फूस के से धुआं करके जो होता है पाले से बचाव किया जा सकता है। और 0.1% जो होता है गंधक के घोल का छिड़काव करके पाले से जो होता है बचाव किया जा सकता है। टाटिया या घास फूस बांध कर छोटे पौधों में जैसे 1 से 2 वर्ष की उम्र वाले में प्रयोग करते हैं। और इसके बाद वायु अवरोधी पट्टी लगाकर यह जूता उत्तर दिशा से आने वाले ठंडी हवाओं से जूता है पश्चिम से आने वाली गर्म ब्लू से जूता है बचाव करती है। अब ब्लू क्या होता है, तो उत्तर भारत में मई जून में जूता है चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं। और बचाव के लिए क्या करते हैं, तो लू से बचाव हेतु जूता है बड़े बड़े वृक्ष के तने पर जूता है चूने का घोल का लेप कर देते हैं और सिंचाई करके बचाव किया जाता है। और टाटिया बांध कर या वृक्ष पट्टी लगाकर जूता है लू से बचाव किया जाता है। तो लू कब आता है, तो उत्तरी भारत में जो है मई जून में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं। और पाला से सर्वाधिक प्रभावित पौधे कौन कौन से हैं, तो केला है, पपीता है, टमाटर है। और सर्वाधिक प्रभाव इसका कब देखा जाता है, तो दिसंबर व जनवरी में रहता है इसका सर्वाधिक प्रभाव। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।